गाइस बंटा में प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ। हेडशॉट नहीं लग रहा है। अरे हाँ भाई हाँ। तो गाइस आप लोग एकदम सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि गाइस देखो मुझे पता है आप में से सब बंदे का क्या होता है। अगर आप लोग 10 गोली चलाते हो तो 10 में से गाइस 2-3 ही बनता है हेडशॉट लगता है। बट गाइस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद अगर आप लोग 10 गोली फायर करोगे ना, तो गाइस 10 में से 10 ही आप लोग का वन टैप हेडशॉट लगेंगे। बट हाँ गाइस जो मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा वो गाइस अगर आप लोग सेम टू सेम फॉलो किए तभी गाइस आप लोग का लगेगा। ऐसे वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, मैं आप लोगों को जो जो चीज बताऊंगा गेम के अंदर आप लोगों को वो अप्लाई करना है उसके बाद ही होगा। और मैं आप लोगों को वन टैप के लिए जो बेस्ट सेंसिटिविटी होगा वो गाइस मैं आप लोगों को बताऊंगा, बेस्ट फायर बटन साइज सब कुछ गाइस मैं आप लोग इस वीडियो में बता दूंगा। तो गाइस देखो फटाफट आप लोग प्लीज लाइक कर देना यार, आप लोग वीडियो को आजकल लाइक नहीं करते, प्लीज गाइस 5000 लाइक एंड जो वो गाइस इस वीडियो में करा देना। और गाइस प्लीज आप लोग 4 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करा दो यार, ओनली 50,000 सब्सक्राइबर चाहिए। तो गाइस आप लोग हो सके तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और जितना हो सके गाइस शेयर कर देना। गाइस आप लोग वीडियो देख के चले आते हो बट आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते, गाइस आप लोग ऐसा मत करो, प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने हर एक दोस्त के साथ प्लीज शेयर कर देना। सो गाइस चलो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो गाइस सबसे पहले वन टैप मारने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका सेंसिटिविटी। अब गाइस देखो अगर आप लोग का सेंसिटिविटी सही नहीं होगा तो गाइस आप लोग वन टैप मारने का जितना भी कोशिश कर लो गाइस तुक्के से दो हेडशॉट आप लोग का लग जाएगा बट ज्यादातर आपका मिस जाएगा। तो गाइस मैं आप लोग को बता देता हूँ आपके लिए जो बेस्ट सेंसिटिविटी होगा वो क्या होगा। सबसे पहले तो गाइस देखो ये जो प्रीलू के ये कोई भी काम का नहीं है, इसके ऊपर ही आता है वो है आपका स्नाइपर स्कोप। अब गाइस देखो स्नाइपर स्कोप के लिए मैं आप लोग एक ऐसा सेंसिटिविटी बता देता हूँ जो गाइस हर एक डिवाइस में वर्क कर जाएगा। अब गाइस देखो स्नाइपर स्कोप क्या है, जब भी गाइस आप लोग स्नाइपर का स्कोप ओपन करोगे ना, तो स्कोप ओपन करके जब भी आप लोग इधर उधर करते हो आपका जो स्कोप वही गाइस आपका स्नाइपर स्कोप का जो सेंसिटिविटी है वही है। अब देखो मैं आप लोग को स्नाइपर स्कोप के लिए जो बेस्ट सेंसिटिविटी होगा वो मैं आप लोग को बता देता हूँ जो गाइस एक डिवाइस में ही वर्क करेगा, तो गाइस आप लोगों को 70 रखना है। 70 गाइस एकदम परफेक्ट है, मतलब ज्यादा जोर से भी नहीं होगा, ज्यादा स्लो में भी नहीं होगा। तो गाइस आप लोग इजीली एम करके एनिमी को मार पाओगे, क्योंकि गाइस अगर आप लोग ज्यादा करोगे तो हल्का सा भी अगर आप लोग मूव करोगे ना तो आपका जो स्कोप है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसा गाइस आप लोगों को नहीं करना है, और बहुत ही कम करोगे तो गाइस आप लोग मतलब प्रेशर ही लगाते रह जाओगे, आपका स्कोप हिलेगा ही नहीं। तो ऐसा भी आप लोगों को नहीं करना है, आप लोगों को 70 रखना है। और देखो स्नाइपर के कुछ मैंने ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दिए जो गाइस अगर आप लोग सुनोगे ना तो पूरे एकदम पागल हो जाओगे। आप लोग सोचेंगे भाई स्नाइपर का भी ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स होता है, तो उसके ऊपर गाइस देखो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, मैं ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। बहुत ही ज्यादा ओपी वीडियो है यार, आप लोग फटाफट जाके अभी देख लेना वीडियो को। इसके बाद गाइस देखो जो आता है वो है 2x स्कोप और 4x स्कोप। और देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं गाइस, आप लोग तो प्रिसाइज प्लेयर नहीं हो ना कि शॉर्ट रेंज में गाइस आप लोग स्कोप ओपन करके मारोगे, आप लोग सभी डिफॉल्ट प्लेयर हो। और डिफॉल्ट में क्या होता है, आप लोग गाइस मतलब शॉर्ट रेंज में ज्यादा स्कोप का यूज नहीं करते हो, आप लोग ज्यादा मिड रेंज और लॉन्ग रेंज में स्कोप का यूज करते हो 2x स्कोप और 4x स्कोप को। तो लॉन्ग रेंज में गाइस आप लोगों को जो हाई सेंसी है वो गाइस स्कोप में चाहिए। तो गाइस आप लोगों ये 2x स्कोप 4x स्कोप है ना, इसको गाइस आप लोग एकदम हाई कर देना है। इसे गाइस देखो ड्रैग हेडशॉट इजी लग जाता है, ड्रैग हेडशॉट मतलब स्कोप इन ड्रैग हेडशॉट इजी लग जाता है। जब भी आप लोग स्कोप ओपन करके ड्रैग करोगे ना तो इजी लग जाएगा, तो ये आप लोगों को 100 कर देना है दोनों को। और लास्ट गाइस देखो जो आता है वो है जनरल और रेड डॉट। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं जनरल को गाइस आप लोगों को 100 नहीं रखना है, आप लोगों को 98 रखना है। जनरल को गाइस आप लोग 98 रख दो, और जो रेड डॉट है उसको गाइस 2 कम कर देना जनरल से, मतलब 96 आप लोगों को रेड डॉट रखना है। और यही गाइस देखो जो सेंसिटिविटी है ना, ये गाइस आप लोगों को वन टैप में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अब वन टैप के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं अगर आप लोग एसएमजी गन वगैरह चलाते हो UMP MP40 तो आप लोगों के लिए जो बेस्ट सेंसिटिविटी होगा वो गाइस क्या होगा। देखो आप लोगों को ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, आप लोगों को छेड़छाड़ करना है जनरल पे। देखो सिंपली आप लोगों को पहले क्या करना है, अपना जो जनरल है उसको गाइस आप लोग 90 करना, 90 करने के बाद आप लोग एक बार ट्रेनिंग पे जाना, ये जो एडम खड़ा हुआ है ना इसके ऊपर गाइस आप लोग ड्रैग हेडशॉट मारने का ट्राई करना। अगर आप लोग का जो हेडशॉट है वो 90 पे अगर लग जा रहा है तो गाइस आप लोग कुछ भी छेड़छाड़ करने का जरूरत नहीं है। और अगर आप लोग को ज्यादा बॉडी शॉट लग रहा है तो ये जो 90 है इसको गाइस आप लोग 95 कर देना, फिर गाइस आप लोग एक बार ट्राई करके देना कि हेडशॉट लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। अगर फिर भी नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा आप लोग बढ़ा देना, और मेरा जैसे 97 भी इजीली लग जा रहा है तो मेरा जो मतलब जनरल है वो 97 में एसएमजी गन से सबसे ज्यादा वर्क करेगा, तो मैं 97 रख दिया हूं। और इसके बाद गाइस देखो और एक चीज भी बहुत ही ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका फायर बटन का साइज। तो गाइस आपका जो फायर बटन का साइज है ना वो गाइस क्या रखना है मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोगों को 45 रखना है, 50 नहीं करना है, बहुत बंदे 50 रखते हो बट आप लोगों को 45 करना है। और उसका जो पोजीशन है मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये गाइस देखो ऊपर जो मैन का ऑप्शन है ना इसको गाइस एकदम स्ट्रेट रखना है, आप लोगों को उसके एकदम नीचे स्ट्रेट रखना है। और ऐसा भी नहीं आप लोगों को बहुत ही ज्यादा नीचे रखना है, अगर आप लोग बहुत ही ज्यादा अपने फायर बटन को नीचे रखोगे ना तो आप लोग रोटेशन ड्रैग नहीं कर पाओगे, तो आप लोगों को नीचे की साइड ही रखना है, बट ज्यादा नीचे की साइड आप लोग मत रखना। और देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं आपका जो एम पोजीशन है वो गाइस क्या रखना है, क्योंकि एम पोजीशन भी मैटर करता है भाई वन टैप हेडशॉट मारने में। देखो गाइस अगर आपका जो एम है वो गाइस एनिमी के अगर हेड पे हुआ
ना, तो जब भी गाइस आप लोग ड्रैग करोगे तो गाइस आप लोग का मिस चला जाएगा। क्योंकि गाइस देखो अगर एनिमी के हेड पे आपका एम हुआ, आप लोग ड्रैग करोगे तो एम तो ऊपर चले जाएगा ना। तो कभी भी गाइस आप लोगों को जब अपना एम है वो एनिमी के हेड पे नहीं रखना है, आप लोग को अपना जो एम है वो चेस्ट पे रखना है। चेस्ट पे जब भी आपका एम रहेगा और जब भी गाइस आप लोग ड्रैग करोगे तो गाइस आप लोग का हेडशॉट लग जाएगा। तो आप लोग अपना जो एम है वो गाइस चेस्ट पे रखने का ट्राई करना है। और देखो अगर आप लोग वन टाइम मार रहे हो तो गाइस आप लोग का जो एम है वो व्हाइट एम पे गाइस ट्राई करना। जब भी आपका एम व्हाइट होगा उसी टाइम ही फटाफट आप लोग ड्रैग कर देना, आप लोग का वन डैमेज शॉट लग जाएगा। और अगर आप लोग एसएमजी गन से खेल लो तब गाइस आप लोग अपना जो एम है वो रेड एम पे भी फायर कर सकते हो, तब भी गाइस आप लोग का हेडशॉट जो है वो लग जाएगा। और वैसे तो गाइस आप लोगों को पता ही है अगर आप लोग वन डैमेज हेडशॉट देना है ऊपर से गाइस एकदम तगड़ा लेवल का मूवमेंट करना है तब गाइस देखो टू फिंगर से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को थ्री फिंगर में शिफ्ट होना पड़ेगा। और गाइस अगर आप लोग थ्री फिंगर के लिए कुछ बेस्ट कस्टम एक्यूरिटी चाहते हो ना तो उसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, मैं ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग फटाफट जाके वो वीडियो भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। थ्री फिंगर के लिए आप लोग कुछ बेस्ट कस्टम एक्यूरिटी मिल जाएंगे, फिर आप लोग उधर से अपना मनपसंद कस्टम एक्यूरिटी चॉइस कर सकते हो। और बाय द वे गाइस ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। और गाइस प्लीज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस किसका वेट करो यार, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और पास में जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी गाइस जरूर से आप लोग ऑन कर देना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो गाइस फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस देखो इसका अगर आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में #part2 लिख देना ताकि मेरे को पता चल जाएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हो और इसका पार्ट 2 आप लोगों को चाहिए। और गाइस देखो वैसे तो आप लोगों को पता ही है अभी फुल मैप का न्यू रैंक चल रहा है, तो गाइस देखो अगर आप लोगों को फुल मैप के लिए कुछ बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में जानना है ना तो गाइस आप लोग फटाफट राइट वाली वीडियो देखो, या फिर गाइस अगर आप लोगों को फुल मैप में फटाफट ग्रैंड मास्टर में जाना है तो गाइस आप लोग फटाफट लेट वाली वीडियो देख सकते हो। सो गाइस चलो टाटा बाय बाय पीस।